गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था हाउ टू फॉर्म अल्कोहल फ्रॉम एल्केन। नाइन्थ रिएक्शन थी अपनी, ठीक है। नाइन्थ रिएक्शन में अपन ने हाउ टू फॉर्म अल्कोहल फ्रॉम एल्केन, जिसके अंदर अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था कि एल्केन से अल्कोहल फॉर्म करने के लिए मैंने आपको तीन मिनट, सिंपल है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द एल्केन, सिमेट्रिक एल्केन पर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने में कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। और रही बात असिमेट्रिकल एल्केन की, जिसमें तीन प्रोसेस थे, पहला आपने अच्छे से क्लियर कर दिया, जिसमें मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन का भी एग्जांपल दिया था, ठीक है, मार्गनिको एडिशन विद रीअरेंजमेंट यानी कार्बोकेटन फॉर्म होगा। अब जो आज अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में, वो है मार्गनिको एडिशन विद विदाउट रीअरेंजमेंट, ओके, ओएमडीएम रिएक्शन, और तीसरी रिएक्शन जो है वो एंटी मार्गनिको एडिशन, ठीक है। क्लियर करते हैं फ्रॉम एल्कीन। थ्री टाइप की रिएक्शन अपन डिस्कस कर रहे थे इसमें, फर्स्ट मार्गनिको एडिशन विथ रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मार्गनिको एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, ओके, OMDM रिएक्शन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन, एंड थर्ड AMDA एंटी मार्गनिको एडिशन हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन। कंडीशन भी मैंने अप्लाई कर दी थी आपको, कंडीशन भी बता दी थी मैंने आपको, क्लियर है। फर्स्ट अपना क्लियर है मार्गनिको एडिशन विद रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मार्गनिको एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। एडिशन मार्कोनिकोफ रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, और मार्कोनिकोफ रूल्स क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल्स नेगेटिव पार्ट अटैक टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी जब पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं अपन, पाई बॉन्ड टूटेगा तो पास वाले में एक नेगेटिव जाएगा, एक पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव कहां लेसन है इसको भी अपन ने क्लियर किया। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम पर सब्स्टिट्यूट ज्यादा अटैच है उसको अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वहां पे अपन ट्रांसफर कर देंगे। इतना मैंने आपको सिंपल वे में क्लियर कर दिया था, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं मार्गनिको एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। एक्चुअली रिएक्शन क्या है, अगर आपके पास कोई असिमेट्रिकल एल्कीन है CH3CH ओके, और वहां आपको दे रखा है HGOAC ऑल ट्वाइस सेकेंड NaBH कहीं पर भी असिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे वहां पे था कंडीशन उस मार्गनिको एडिशन रीअरेंजमेंट में, मैंने आपको क्या कहा CH3CH डबल बॉन्ड CH H2O H+, सिंपल है, ये कंडीशन है, इसका मतलब मार्गनिको एडिशन है। मार्गनिको एडिशन क्या करता है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में जहां हाइड्रोजन का है वहां पे नेगेटिव पार्ट OH को अटैक करे H+ और OH-, क्लियर है। जहां हाइड्रोजन कम है वहां पे अपने क्या कर दिया CH3CH CH3OH, ये मामला था। अब ओवरऑल मामले में हो क्या रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे भी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही हो रहा है, बट इनडायरेक्ट वे। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल एल्केन बाय द इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट एडिशन नहीं हो रहा है यहां पे, वाटर मॉलिक्यूल को अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है वो एडिशन करवा रहे हैं, बट यहां पे अपन डायरेक्ट एडिशन नहीं करवाएंगे, इनडायरेक्ट वे में एडिशन। बट होगा क्या, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है। अगर आपके सामने ये दे रखी है तो सीधा मैंने क्या कहा था, मर्क्यूरिक एसिड के सोडियम बोरोहाइड्रेट एल्केली मीडियम में है तो ये मार्गनिको एडिशन होगा, बट अरेंजमेंट नहीं होगा। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इन दिस रिएक्शन एज इंटरमीडिएट कार्बोकेटन इज नॉट फॉर्म। एक्चुअली कार्बोकेटन फॉर्म होता है, कार्बोकेटन ऐसा नहीं कार्बोकेटन फॉर्म नहीं होता है, ये पूरी कहानी क्या है, ठीक है, पूरा मैं डिटेल में इसको मैकेनिज्म के साथ आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पे कार्बोकेटन बनता है, बट कार्बोकेटन बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही
सेकंड से सेकंड से सेकंड नैनो सेकंड की बात करते हैं, बहुत ही कम सेकंड के लिए होता है, इसीलिए उसको रीअरेंजमेंट का टाइम नहीं मिलता। देयरफॉर इट्स अ वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या होगा? ठीक है, तो इसके अंदर आप प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना CH3 CH CH3 और OH। ओके, तो रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा इसको दो तरीके से अपन फाड़ देते हैं, एक बार बुक्स जो कहती है वैसे फाड़ देते हैं, और दूसरी मेड बाय MPS, क्लियर है आप लोगों को सब पता ही है। ठीक है, व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विद द मर्क्यूरिक एसिड, व्हेन एल्कीन, ठीक है क्लियर करते हैं मामला, व्हेन एल्कीन, अपन एल्कीन ले लिया पे असिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं, ठीक है प्रोपीन ले लिया अपन यहां पे, व्हेन असिमेट्रिकल एल्कीन इज रिएक्ट विद द मर्क्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिड ये हो गया आपका मर्क्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिड एंड वाटर, मर्क्यूरिक एसिड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, सिंपल सिंपल सी बात है समझने की कोशिश करना, व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विद, व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विद द मर्क्यूरिक एसिड, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है HgOAC OAC, इसका मीन सेम ही है, ठीक है, व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विद द मर्क्यूरिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन देन हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक एसिड प्रोडक्ट, ठीक है एज एडिशन प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म, पहले एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज ON, ये प्रोसेस जो होगा क्या होगा ON होगा, और रिएक्शन क्या है OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, आधा प्रोसेस क्या है ON ऑक्सीमर्क्यूरेशन, आधा प्रोसेस क्या है DM डीमर्क्यूरेशन, तो पूरे प्रोसेस में क्या होगा, अब पूरा मैं आपको बता रहा हूं, ये मर्क्यूरिक एसिड है, सबसे पहले इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस होता है, जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये यहां से क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, जैसे ये ब्रेक होगा इस पर क्या जाएगा माइनस चार्ज, और ये मर्क्यूरी क्या है कार्बो, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इस पर, जैसे ये ब्रेक होता है और यहाँ पे क्या वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये यहां से क्लियर, ठीक है अब यहां पे ट्रांसफर करना है अपने पाई इलेक्ट्रॉन का, और मैंने आपको क्या कहा पॉजिटिव चार्ज का होगा मोर सब्स्टिट्यूट, अगर पॉजिटिव में यहां करूं तो ये एक सब्स्टिट्यूट जो है, ठीक है इस पर कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, ठीक है और यहां मैं पॉजिटिव करूं तो ये सब्स्टिट्यूट अटैच है यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा और यहां पे क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, अगर ये नेगेटिव यहां ट्रांसफर हो और यहां पॉजिटिव है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, और इधर ट्रांसफर है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, ये जैसी कंडीशन बनती है जैसी कंडीशन बनेगी तो ये पॉजिटिव CH3COOHG और OH- ये अटैक करेंगे तो OH- कहां जाएगा जहां मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग OH- कहां आ जाएगा यहां आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहां पर अटैक कर देगा देन फॉर्म CH3CH CH2 HGO CH3 and OH। क्लियर, यहां एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कुछ स्पेशल पॉइंट OMDM के मैं बता दूंगा आपको, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन नंबर एक रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है क्यों नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटायन जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है नैनो सेकंड के लिए होता है इसलिए यहां पे रीअरेंजमेंट के लिए टाइम नहीं मिल पाता बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो जाती है। तीसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिएक्शन एंटी एडिशन क्या होगा इसके अंदर एंटी एडिशन होगा क्लियर क्यों होगा
मैं आपको बता दूंगा ये, ठीक है। ये मामला आपके समझ में आ गया होगा, ये पॉजिटिव पार्ट में लिखा है, नेगेटिव नेगेटिव को अपन मात्रा में को कैल्शियम के बारे अपन ने ऐड कर दिया। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक एडिशन प्रोडक्ट। यहां तक का जो ये सफर है, यहां तक का जो सफर अपन ने क्लियर किया है, यहां तक का इस प्रोसेस को कहते हैं अपन ओएम, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन। यहां से स्टार्ट होता है रिडक्शन, दिस अपॉन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी पीएच 4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इन एल्कली मीडियम NaBH4। जानते हो इसे सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख के मैं लिखने हाइड्राइड का भाई है, ठीक है, हाइड्राइड प्रोवाइड करवाता है। जैसे ये हाइड्राइड प्रोवाइड करवाएगा तो यहां से मर्करी की वेपर जो है क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी और CH3COOH एसिड एसिड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देन फॉर्म हो जाएगा अपने पास एक तो CH3COOH बाहर निकल जाएगा, एक मर्करी की क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी, और एक यहां पे हाइड्रोजन हो जाएगा CH3CH CH2OH ऊपर है, H का रहेगा नीचे एंटी एडिशन, थोड़ा माइंड में रखना इसको, यहां पे क्या रहेगा एंटी एडिशन होगा, क्लियर। ये तो क्या थी पूरी रिएक्शन है, सब बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन की है, इसका मैकेनिज्म आप क्लियर, ठीक है, देख सकते हैं इसको मैकेनिज्म से आप देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो इन दिस रिएक्शन एल्कीन सिमेट्रिकल तो जनरेट नहीं है, बट अब ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन देखें आप, इसमें और इसमें क्या चेंजेस, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके OH और H को ऐड किया, यही है, यानी कोई मिला के H2O ऐड हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, घूम फिर के आ रहे हैं, बट वो तो रहा है वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड हो रहा है। इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, बाय द इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट वे में नहीं कर रहे हैं, पहले वाली जो रिएक्शन थी उसके अंदर क्या कर रहे थे, डायरेक्ट अपन वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे थे, बट इसके अंदर क्या कर रहे हैं विद इनडायरेक्ट वे में घुमा फिरा के बना रहे हैं। इन दिस रिएक्शन एल्कीन रिएक्ट विद द मर्क्यूरिक एसिटेट एंड वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, देन मर्क्यूरिक एसिटेट सॉरी हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक एडिशन प्रोडक्ट, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक एडिशन प्रोडक्ट, दिस अपॉन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इन एल्कली मीडियम देन एल्कोहल्स आर फॉर्म, ठीक है। ये पूरा मेथड जो है वो मार्कोनी का एडिशन था, बट रियलाइज कंटिन्यू हो रहा है, ओके। इसका डिस्कस करते हैं अपन मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म जो है कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, क्यों एंटी एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है वो क्लियर करते हैं। OMDM रिएक्शन की मैकेनिज्म, CH3CH2 ये मर्करी मर्क्यूरिक एसिटेट, ओके। एक्चुअली क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इस मर्क्यूरिक एसिटेट में हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगा, जैसे इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक, इस पर क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो कहाँ मोर सब्स्टिट्यूट में रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो एट फर्स्ट क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मर्करी को पॉजिटिव चार्ज, इसमें हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगा, तो ये OH क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, या सिर्फ मैं माइनस OH लिखे माइनस ACOH लिखे या फिर माइनस CH3COO- लिखे एक ही बात है, ये यहाँ से क्या हो गया रिलीज हो गया। जैसे ये रिलीज होता है तो ये कार्बन और इस मर्करी के बीच में क्या होता है बॉन्ड फॉर्म होता है, इस कार्बन और मर्करी के बीच में क्या हो जाएगा बॉन्ड फॉर्म होगा CH3CH2HGOAC, ठीक है। तो इनके बीच में जो है ये क्या हो जाएगा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इनके बीच में क्या हो जाएगा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होता है तो यहां पे अपने विद इन नैनो सेकेंड के लिए बहुत ही कम टाइम के लिए कार्बोकैटायन फॉर्म होता है इस मर्करी के वैकेंट ऑर्बिटल में, अपने पास क्या होता है
दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको प्रोवाइड करवा जाए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हैंड टू हैंड इसको प्रोवाइड करो, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, तो ये कार्बन कैटायन को रीअरेंजमेंट के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता, इसलिए अपन कहते हैं कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता, कार्बन कैटायन फॉर्म नहीं होता। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है मरकरी के इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव कार्बन कैटायन को देके साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन को फॉर्म करता है, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन मरकरी भी आ जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो ये बन गया साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन फॉर्म होगा। अब जैसे ही साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन फॉर्म होता है तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, ये अटैक कर रहा है। अब अगर ये, अब ये कहां अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन एटम, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन एटम पे अटैक करता है, जैसे ही ये यहां अटैक करेगा तो ये यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्लियर, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो ये क्या हो गया, यहां पर ब्रेक हो गया, देन फॉर्म CH, अब देखो यहां पर, ठीक है, ये एंटी एडिशन हो रहा है, अगर ये फ्रंट साइड अटैक करे, बैक साइड अटैक करे, तो एंटी एडिशन हो रहा है यहां पे, OH- से अपसाइड से ऊपर साइड से जो है अटैक कर रहा है, ये जो बेसिक टाइप में ऐसे कोई दो कार्बन के बीच में कोई डिफरेंट टाइप का एटम देख रहा है, तो समझ लो वहां पे एडिशन जो है वो कैसा होगा, एंटी एडिशन होगा, इस तरह के कोई प्रोडक्ट दे रखे हैं, एडिशन प्रोडक्ट दे रखे हैं, जहां पे दो कार्बन के बीच में कोई तीसरा मेटल भी है, तो वहां पे इस तरह से एंटी एडिशन हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2 HGO HGO AC and form OH, ओके, और ये नो मर्क्यूरी प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पर देखिए आप लोग, इस वाटर मॉलिक्यूल जैसे ऐड होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज को सेंड नहीं करता, ठीक है, इसका मतलब यहां लिख दिया रिएक्टिव अनस्टेबल। अब इसको स्टेबल करने के लिए अपने पास क्या है, CH3CO- एसिटेट आयन है, CH3CO- ये एसिटेट आयन क्या करता है, ये एसिटेट आयन इस पर अटैक करेगा और यहां से H+ को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, जैसे ही H+ रिलीज करेगा तो यहां से माइनस क्या हो गया, CH3COH एंड फॉर्म CH3CHOH CH2 HGO AC एंड हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक एसिटेट, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, जैसे हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक एडिशन प्रोडक्ट, ये अपने पास क्या है, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, यहां तक का जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या हो रहा है, मर्क्यूरिक एडिशन हो गया, तो ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन, यहां तक का प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सी मर्क्यूरेशन। अब इसके आगे तो खास बात नहीं है, Na BH4 अल्कली मीडियम इसका रिएक्शन करते हैं और अपने को हाइड्राइड प्रोवाइड करवाता है, ये सब बाहर निकल जाएगा, हाइड्राइड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देन फॉर्म CH3 CH CH2 H एंड OH, ओके, एंटी एडिशन के साथ, मार्कोनी कप एडिशन के साथ, डबल रीअरेंजमेंट के साथ, आपके सामने ये OMDM रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये OMDM रिएक्शन के लिए होगी, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है एंटी मार्कोनी कप एडिशन, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनी कप। अब पूरे मामले में अपने क्या देखा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, तो उसमें भी क्या होगा, पूरे मामले में वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करना है वो भी क्लियर कर देते हैं, आपके पास कोई एल्कीन है, ठीक है, और एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करवाना है B2S6 H2O2 OH1, जैसे वहां पे मर्क्यूरिक एसिटेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड कंडीशन अप्लाई की हुई थी, वैसे पेपर भी एसिमेट्रिकल एल्कीन है और एरो के ऊपर ये कंडीशन शो हो रही है, तो आप नाम देखना है, नताब देखना है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाना है एंटी मार्कोनी कप एडिशन से, और एंटी मार्कोनी कप एडिशन क्या करें,
According to anti-molecular medicine, negative part of the water molecule, negative part of the attacking reagent attack to that carbon, that double bonded carbon atom which has a more number of hydrogen atom. जहाँ पे double bonded पे number of hydrogen atom क्या है? ज़्यादा है. वहाँ पे आप क्या करोगे? OH minus को attack करवा दोगे. Simple से अगर देखें, तो इसका आपके पास result क्या मिलेगा? OH क्या मिलेगा क्या आपके? H आ जाएगा. ठीक है? Sin addition हो जाएगा. इसके अंदर anti addition नहीं करवाना है आपको. एनटी एडिशन ओएमडीएम में करवाना है, ध्यान रखना आपको, बाकी नहीं अपने को माथापड़ी नहीं करनी है. यहाँ पे सीन एडिशन करवाओगे तो क्लियर है, ये प्रोसेस है. अब इस पूरे प्रोसेस में अपने पास जो हाइड्रोजन जो आ रहा है वो बोरेन से आ रहा है, एडिशन ऑफ बोरेन, एडिशन ऑफ बोरेन टू द एल्केन, सो दिस रिएक्शन इज नॉन एज ठीक है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन यानी बोरेन पे बोरेन का एडिशन करवाना है. देखो जो हाइड्रोजन जो आता है ये तो आएगा कहां से, BH3 से आएगा, और जो एडिशन OH- माइनस का करवा रहे हो ये आएगा कहां से, हाइड्रोजन परोक्साइड से आएगा. ठीक है, क्लियर है, रिएक्शन को अपन देखते हैं इसको. चलो सी डबल बॉन्ड सी ये आपके पास क्या है, एल्कीन है, इस रिएक्ट विद द BH3. अब यहां पर देखें एक्चुअली ये रिएक्शन जो होती है 3H2O में होती है, एल्कीन के तीन मॉलिक्यूल और बोरेन का एक मॉलिक्यूल, बोरेन यानी BH3 ठीक है, B2H6 इज अ डाइबोरेन. अब रिएक्शन को कैसे कैसे क्लियर करना है, अगर एल्कीन के आपके पास कितने मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, बोरेन का एक, ये कंडीशन है, पहले कंडीशन देख लिया, ये कंडीशन तो भाई अगर आपके सामने यू दे रखा हो तो भी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, BH3 से करवानी है, बट ये मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, सिक्स. अगर आपको ये मॉलिक्यूल सिक्स नहीं करने हैं, तीन ही रखने हैं, तो इसको क्या करोगे आप, क्लियर है, मामला सेट है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, यानी 3H2O में रिएक्शन करवानी है, एल्कीन तीन मॉलिक्यूल होंगे और एक मॉलिक्यूल किसका होगा, बोरेन का होगा. ठीक है, नेक्स्ट समझ लेते हैं इसको, पहले ही से एट फर्स्ट अपने पास एक एल्कीन है, सपोज दैट अपन लिखे हैं एथीन की बात कर रहे हैं, एथीन इज रिएक्ट विद BH3. अब ये क्या होगा, ठीक है, H प्लस और BH2 माइनस, ठीक है, ये एल्कीन क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इसके अंदर एंटी मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाना है, ये तो क्या बनेगा, CH3 CH2 ठीक है BH, इसको कहते हैं अपन एल्कील बोरेन, एथिल बोरेन. अगेन ये तो वन मॉलिक्यूल यूज हुआ, अभी कितने मॉलिक्यूल यूज करने अपने को, तीन मॉलिक्यूल यूज करने, सेकंड एडिशन वापस अपन क्या करेंगे, एल्कीन को यूज करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ठीक है, एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और बी इससे ऐड हो जाएगा, देन फॉर्म CH3 CH2 BH, बॉरन पर एक हाइड्रोजन अपने पास और है, ये हो गया एथिल बॉरन, इथाइल बॉरन जिसको बोलते हैं अपन, डाइएथाइल बॉरन, डाइएथाइल बॉरन अगेन वन मॉलिक्यूल. अब ये फर्स्ट मोल यूज हो गया, सेकेंड मोल ऑफ एथीन एंड थर्ड मोल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड फॉर्म CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 ओके एंड फॉर्म ट्राइएथाइल बॉरेट, ट्राइएथाइल बॉरेट दिस अपॉन हाइड्रोलाइज बाय द H2O2 इन एल्केली मीडियम. अब एल्केली मीडियम इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइज करवाना है आप लोगों को. ठीक है, तो हाइड्रोलाइज इसी में हम अपने करवा सकते हैं. अब इसका क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइज. अब इसके तीन मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, हाइड्रोजन परऑक्साइड के इन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहां पे H3BO3, बॉडी में क्या हो गया, रिलीज हो गया, तीनों OH जो है इस एल्काइल ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, देन फॉर्म थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल एंड रिलीज क्या हो गया,
प्लस एस थ्री डी ओ थ्री बोरिक एसिड। ये पूरा रिएक्शन है। इस पूरी रिएक्शन में आप देखें ये अपने पास क्या है, ठीक है, एथीन है और यहां पे क्या आ गया एथेनॉल। इसमें और इसमें क्या चेंजेस है, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनडायरेक्ट वे, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया तो हाइड्रोजन जो आएगा कहां से आएगा, बी एस थ्री से आएगा और OH जो आपका कहां से आ रहा है, ठीक है, H2O2 से आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा एंटी मार्कर का एडिशन। अगर इस रिएक्शन को करके देखोगे आप तो अपने पास जो है एंटी मार्कर का एडिशन इसके कितने मोल आ जाएंगे, 3 मोल आ जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा H3DO3 बन जाएगा, ठीक है, और इसको क्या करो आप हाफ कर दो, क्लियर है, ठीक है। सेम मैकेनिज्म आप इसके साथ भी हो सकता है, ये असिमेट्रिकल एल्कीन लेके कर रहे हैं आपको, तो ट्राई करना इसका, प्रैक्टिस करना। ब्रोपीन से जो है आप प्रोपेनॉल कैसे फॉर्म करोगे। अब इस पूरे में अपन ने क्या देखा, एंटी मॉलिक्यूलर का एडिशन से ये क्लियर हो गया रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके अंदर एक रिएक्शन और है बट वो अपने सिलेबस में भी नहीं है तो उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगला जो रिएक्शन अपन लेंगे वो लेंगे, ये अपने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हो गया, जीएमपी क्लियर हो गया नॉन रिएक्शन के साथ। अब लेंगे अपन केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।